के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इधर मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जिस शांतिमय ढंग से तो काले धन को लेकर नोटबंदी को लेकर जो डिबेट शुरू हुई है, हालांकि पिछले कई दिनों से हाउस इस बात को लेकर नहीं चल रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ने खुद ये डिसीजन लिया और ये हाउस में नहीं आ रहे हैं और पूरा विपक्ष चाहता था कि वो अपना वो बैठें और बात भी सुने और अपना जवाब भी दें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इधर आ गए हैं और अभी लंच होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लंच के बाद भी, क्योंकि ये डिबेट लगातार जारी रहेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी इधर मौजूद रहे लंच के बाद भी। एक मिनट, प्लीज प्लीज, मेरा माननीय सभापति जी ये भी कहना है प्रधानमंत्री जी से कि आपने जो नोटबंदी का फैसला लिया है तो काले धन पर अंकुश लगाने के लिए, तो हमारी पार्टी कोई उसके खिलाफ नहीं है, उसका समर्थन करती है, लेकिन आपका जो तरीका है, जो आपने तरीका अख्तियार किया है, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। उससे पूरे देश के गरीब, मेहनत कश लोग और मध्यम जो वर्गीय लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गांव के लोग सफर कर रहे हैं और देहातों के अंदर पॉपुलेशन 90% के करीब है। प्लीज माननीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, कल सर्वे आ रहा था, कल सर्वे आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ बिंदु रखे हैं। नहीं, आप अपने समय से भाषण दीजिए। इनके फैसले का समर्थन किया है, ये बिल्कुल गलत है। 90% से ज्यादा लोग आज भी एटीएम और बैंकों के बाहर जो लाइन लगाकर खड़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी से थैंक यू। हाउस स्टैंड्स एडजर्न फॉर लंच फॉर 6